तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि देवापाथ नारुतो के हाथ के अंदर रॉड घुसा देता है और असली वाला पेन हिडनली विलेज के बाहर एक जगह पर मौजूद होता है और ये पेन कोई और नहीं बल्कि वही शांत लड़का नागाटो है और अपनी रेनिगन की ताकत से उन 6 डेड बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है। पर उन सभी में से अब सिर्फ देवापाथ ही बचा हुआ है और इस तरफ देवापाथ की वो बातें सुनकर नारुतो को जिराया सेंसे की वो बातें याद आ जाती है जो की उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान कहा था। नारुतो मैं अच्छे से देख सकता हूँ युद्ध खत्म होने के बाद भी इस दुनिया से नफरत खत्म नहीं हो रही। नफरत? हाँ नफरत, और मैं इसका कुछ करना चाहता हूँ पर पता नहीं क्या करूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग एक दूसरे को समझेंगे। हाँ लगता तो है, और अगर मैं ये ना कर सका था तुम तो हो ही, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है नारुतो, मेरे सपने को तुम पूरा करोगे ना। जो हुक्म ठरकी सानिन। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और नारुतो अपने मन में बोलता है, मुझे माफ कर देना ठरकी सानिन। क्या हुआ नारुतो, काफी खामोश हो गए? मेरी कही हुई सभी बातें सच है ना? तुम इस बात को मानते हो नारुतो उज़ुमाकी? नहीं तुम गलत हो, ऐसी शांति का क्या फायदा? तुम इंसान समझदार कभी नहीं बन सकते, एक बार दर्द भर जाए युद्ध फिर से शुरू कर दोगे, इंसानियत फिर से खतरे में आ जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब की बार हम एक टेल्ड बीस्ट हथियार का यूज करेंगे और उससे इस दुनिया में पूरी तरह से शांति आ जाएगी, नफरत पूरी तरह से मिट जाएगी जो हमारे जिराया सेंसे चाहते थे। मैंने कहा ना तुम गलत हो, जिराया सेंसे को यकीन था कि वो दिन जरूर आएगा जब लोग एक दूसरे को समझेंगे। नारुतो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपनी ताकत मुझे दे दो, नाइन टेल फॉक्स की ताकत, तुम्हारी मौत से ही शांति की असली शुरुआत होगी। और इस तरफ टीम गाय विलेज के पास पहुंच जाती है और गामा बुंता के जख्मी शरीर को देखती है। अरे आखिर चल क्या रहा है, ये तो जिराया का समनिंग फ्रॉग है। और यहाँ पर शिकामारू के डैड बोलते हैं, तो असली पेन लीफ विलेज के आसपास हो सकता है, तो चलो फिर उसे ढूंढते हैं, पर हमें ध्यान से करना होगा इस काम को। शिकामारू, इनो और मिराई, तुम तीनों यहीं पर रहना और हमारे सिग्नल का इंतजार करना। चलो ठीक है, शायद और कोई रास्ता भी नहीं है। और कात्सुया अपने सेंसेस का यूज करो और जो लोग जिंदा है उनके बारे में इनो को बताओ, जितने लोगों की जान बचा सकते हो बचाओ। ठीक है सर, मैं समझ गई। और इस तरफ पेन नारुतो की बॉडी के अंदर बहुत सारी रॉड्स घुसा देता है, नारुतो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो अब तुम हिल नहीं सकते नारुतो, पर फिक्र मत करो तुम्हें दर्दनाक मौत दी जाएगी। और पीछे से ग्रैंडमा चिल्लाकर बोलती है, नारुतो उठ जा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जिराया और मेरा बेटा दोनों मारे गए, उन्हें तुम पर कितना भरोसा था, तुम हार नहीं मान सकते नारुतो, अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत बोलती है ये। पेन ग्रैंडमा को उड़ा देता है और नारुतो की ये हालत हिनाटा अपनी आंखों से देख रही है, और इससे पहले कि पेन नारुतो को मार देता हिनाटा यहाँ पर आ जाती है और पेन के ऊपर हमला कर देती है, पर पेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हिनाटा बोलती है, कितना बेरहम है, नारुतो के साथ इसने ऐसा किसे किया, मैं तुम्हें नारुतो को नहीं छूने दूंगी। तो तुम्हारी हेल्प करने तुम्हारी बंदी यहाँ पर आई है? हिनाटा तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से, मारी जाओगी। हमें जानती हूँ नारुतो, पर मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। हिनाटा अपने आप को खतरे में मत डालो, भाग जाओ यहाँ से। नहीं नारुतो, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे बचाते आए हो, पर हिनाटा नारुतो तुमने मुझे बदल दिया है, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं मौत से भी नहीं डरूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नारुतो। हिनाटा तैयार हो जाती है पेन के ऊपर हमला करने के लिए। हिनाटा सभी रॉड्स को तोड़ने लग जाती है जो कि नारुतो के ऊपर लगी हुई थी, पर पेन हिनाटा को दूर फेंक देता है। हिनाटा दोबारा उठने की कोशिश करती है और आकर उस रॉड्स को हटाने की कोशिश करती है, पर पेन उसे नारुतो से दूर कर देता है। हिनाटा अपने मन में सोचती है, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद हिनाटा अपने हाथ में चाकरा बनाने लग जाती है और सीधा पेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर पेन उसके हमलों से बहुत आसानी से बच जाता है। और जैसे ही पेन का ध्यान भटकता है हिनाटा का हमला पेन पर लग जाता है और हिनाटा जल्दी से नारुतो के पास जाती है उसकी रॉड्स को हटाने के लिए और उन्हें हटा भी देती है, लेकिन पेन हिनाटा को अपने जूत्सु का यूज करके ऊपर हवा में उड़ा देता है और पेन धड़ाम से हिनाटा को नीचे जमीन पर गिरा देता है। और नारुतो हिनाटा कहकर चिल्लाता है पर हिनाटा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। हिनाटा धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है और बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके नारुतो की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, पर फिर से गिर जाती है। हिनाटा की इस हालत को देखकर नारुतो बोलता है, हिनाटा बस करो यहाँ से चली जाओ, प्लीज रहने दो। और हिनाटा को अपना बचपन याद आने लगता है कि कैसे नारुतो हमेशा उसे मोटिवेट किया करता था। हिनाटा जैसे तैसे करके नारुतो के पास पहुंच जाती है और तभी पेन बोलता है, इतनी कमजोरी मुझसे देखी नहीं जाती। हिनाटा उस रॉड को पकड़ लेती है जो कि नारुतो के अंदर घुसी हुई थी और पेन बोलता है, जब तुम्हें पता है कि तुम मारी जाओगी तो इस लड़के की मदद क्यों कर रही हो। और हिनाटा बोलती है, क्योंकि मैं अपनी बात से पीछे कभी नहीं हटती, क्योंकि यही मेरा निंजा वे है और ये मैंने नारुतो से सीखा है। और तभी पेन हिनाटा को ऊपर उठा देता है हवा में और सीधा जमीन के ऊपर पटक देता है। पेन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फाइनली हिनाटा को मार देता है नारुतो की आंखों के सामने ही। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पेरेंट्स भी मारे गए थे तुम्हारे विलेज के निंजास के द्वारा। प्यार की वजह से ही नफरत पैदा होती है और दर्द का एहसास होता है। और हिनाटा के बहते हुए खून को देखकर नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर निकलने लगता है। नारुतो की आंखें बदल जाती हैं और जबरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है। यहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और साकुरा ये देखकर हैरान रह जाती है और पेन बोलता है, कमाल है, तो ये है नाइन टेल फॉक्स की ताकत, ये इसके अंदर का गुस्सा है। और ये सारी की सारी रॉड्स जो कि नारुतो की बॉडी के अंदर घुसी हुई थी वो जल जाती हैं। नारुतो के अंदर से बहुत खतरनाक
चाकरा निकल रहा होता है। नाइन टेल फॉक्स जाग जाता है। नारुतो के अंदर से चार टेल्स बाहर आ जाती है। पेन अपने आप को बचाने के लिए खुद को ढक लेता है और जमीन के अंदर में से नाइन टेल फॉक्स का हाथ बाहर निकलता है और एक पत्थर को पेन की तरफ फेंक देता है, पर पेन सभी पत्थरों को काट देता है और तब यहाँ पर एक पत्थर आ जाता है और पेन को लग जाता है। पेन उसे तोड़ देता है। नारुतो पेन पर एक पंच मारता है और तभी नाइन टेल एक पत्थर को पकड़कर पेन को मार मार कर जमीन के अंदर धसा देता है, पर पेन को कुछ नहीं होता और बोलता है, नाइन टेल फॉक्स तुम्हें अब भी लगता है कि इंसान एक दूसरे को समझ पाएंगे? और तभी फोर टेल भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। एक असली नाइन टेल में नारुतो की छह पूंछ निकल आती है और कुछ हड्डियां भी बाहर आ जाती है। ये देख कर पेन हैरान रह जाता है। पेन नारुतो को एक पंच मार देता है और यहाँ पर सुनामी आ जाती है। नारुतो पानी में चला जाता है और पेन नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अविश्वसनीय, नाइन टेल फॉक्स नारुतो उज़ुमाकी, तुमने इस बार सच में दर्द को महसूस किया है। पूरी जगह पानी से भर जाती है और तभी हम देखते हैं कि नारुतो के गले के अंदर जो नेकलेस है हाशिरामा सेंजू का, वो सीलिंग जुत्सु वाला नेकलेस जो कि लेडी होकागे ने नारुतो को दिया था, दरअसल वो नेकलेस एक सीलिंग जुत्सु है और वो नेकलेस नारुतो को बांधने की कोशिश करता है, पर नारुतो एक ही झटके में उस नेकलेस को तोड़ देता है और उस सीलिंग जुत्सु से आजाद हो जाता है। अब पेन और नारुतो आमने सामने हो जाते हैं। नारुतो पूरी तेजी से पेन की तरफ आगे बढ़ता है और पेन अपने ऑल माइटी पुश का यूज करके नारुतो को दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर नाइन टेल फॉक्स की ताकत के सामने पेन का ऑल माइटी पुश भी किसी काम का नहीं रहता। नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ऑल माइटी पुश इसे फर्क नहीं पड़ रहा। और पेन अपने ही ऑल माइटी पुश जुत्सु से दूर एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है और नाइन टेल जब पास आता है पेन के तो पेन यहाँ से भागने लगता है। नारुतो पेन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगता है और इस तरफ हुगा क्लैन का ये बंदा बोलता है, ये क्या हो रहा है, लगता है नारुतो पूरी तरह से बदल चुका है, शायद नाइन टेल फॉक्स का वो ऑरा नारुतो पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। नारुतो किसी छोटे से मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है। साकुरा, नारुतो की छह पूंछ निकल चुकी है, शायद वो धीरे धीरे अब नाइन टेल फॉक्स में बदल जाएगा। साकुरा ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्या कहा आपने, छह पूंछ, पिछली बार तो चार पूंछ थी। दरअसल लेडी हिनाटा उसके सामने मारी गई है इसलिए ये सब हुआ। नारुतो और पेन विलेज से दूर जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि पेन नाइन टेल फॉक्स की ताकत को झेल नहीं पा रहा और गामा किची हंसने लगता है, भगा दिया ना उसे। साकुरा उसे चुप कराती है, चुप हो जा, हंसने का समय नहीं है ये, हमें हिनाटा की लाश को यहाँ पर लेकर आना होगा और नारुतो का भी कुछ करना होगा वरना वो नाइन टेल फॉक्स में बदल जाएगा। पता नहीं कैप्टन यामाटो कहाँ पर है। और इस तरफ कात्सुया शिकामारू और इन सभी को बताती है कि नारुतो एक नाइन टेल फॉक्स में बदलता जा रहा है। नारुतो की आंखों के सामने ही हिनाटा मारी गई और उसके बाद से नारुतो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और शिकामारू बोलता है, तो हमें कुछ करना होगा इसका, ये कैप्टन यामाटो कहाँ पर है, उसे अभी इसी वक्त यहाँ पर आना होगा। और इस तरफ हम कैप्टन यामाटो को देखते हैं। लेडी होकागे ने इन्हें काबुटो के बारे में पता लगाने के लिए कहा था और ये तीनों उसी मिशन पर है, पर तभी कैप्टन यामाटो को कुछ फील होता है। ये नहीं हो सकता, क्या हुआ कैप्टन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सीलिंग जुत्सु टूट चुका है और इस बार छह पूंछ है, बहुत देर हो चुकी है। साई, इस मिशन को कंप्लीट करो किसी भी हालत में, मुझे इसी वक्त हिडनली विलेज जाना होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इस तरफ जंगल के अंदर पेन एक पेड़ के अंदर छिप जाता है और यहाँ पर नागाटो बोलता है, वो काफी ताकतवर है, प्लेनेटरी डेविस्टेशन, लगता है यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते नागाटो, वो कोई आम जुत्सु नहीं है। कोनान, शांत हो जाओ, मुझे ध्यान लगाने दो। नागाटो ध्यान लगाता है और एक उड़ते हुए ब्लैक ऑर्ब को आसमान की तरफ छोड़ देता है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर जुत्सु माना जाता है जो कि यहाँ के भगवान ही कर सकते हैं। ये ऑर्ब ऊपर रहकर एक तरह की मैग्नेट का काम करता है और नीचे की जमीन टुकड़ों में ऊपर उठकर उस काले ऑर्ब के ऊपर जाकर लग जाती है और सिक्स टेल नारुतो जब उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो नारुतो भी एक जमीन की सरफेस के पास जाकर उस ब्लैक ऑर्ब के ऊपर जाकर लग जाता है। ये देखकर पेन और ज्यादा ताकत लगाता है और ये चीज किसी छोटे से प्लेनेट की तरह दिखने लग जाती है और सिक्स टेल नारुतो इसके अंदर पूरी तरह से कैद हो चुका है। नागाटो, तुमने इसे इतना बड़ा क्यों बनाया? मेरा दुश्मन नाइन टेल फॉक्स है ना, इसलिए इतना बड़ा बनाना पड़ा, ये इतना आसान नहीं था। हमारे पूर्वज छह पतों के महर्षि, उन्होंने तो एक पूरा चंद्रमा बना दिया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, पर अभी नाइन टेल फॉक्स मेरे कब्जे में है। ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। अब इसके बाद हम नारुतो के माइंड के अंदर देखते हैं जहाँ पर सिर्फ नारुतो और नाइन टेल फॉक्स होते हैं। नारुतो बोलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मुझे जवाब दो प्लीज। नारुतो को पेन की वही बात याद आती है कि शांति लाने के लिए वो क्या करेगा, पर नारुतो के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। नारुतो बहुत ज्यादा लाचार बन जाता है और तभी नाइन टेल फॉक्स बोलता है, सब कुछ तबाह कर दो, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे मिटा दो, ये दरवाजा खोल दो नारुतो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि नारुतो अपना होश खो देता है और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है नाइन टेल फॉक्स की सील को तोड़ने के लिए, और नाइन टेल फॉक्स की सील धीरे धीरे करके खुल जाती है और धीरे धीरे नाइन टेल फॉक्स बाहर निकलने लगता है और नाइन टेल फॉक्स बोलता है, बहुत बढ़िया नारुतो,
ऐसे ही करते रहो। और इस तरफ कैप्टन यामाटो देखते हैं कि सिर्फ एक टेल बची है और तभी उस ऑर्ब में से 8 टेल बाहर निकल जाता है। नीचे पेन बोलता है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये इतना ज्यादा ताकतवर है। और तभी 8 टेल के रूप में नारुतो बाहर निकलता है चट्टानों को तोड़ता हुआ। नारुतो 9 टेल फॉक्स बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और उसके अंतर्मन में उस 9 टेल फॉक्स की सील को बस तोड़ नहीं जा रहा था और उसे आजाद करने ही वाला होता है कि तभी कोई नारुतो का हाथ पकड़ लेता है और उस दरवाजे से दूर लेकर चला जाता है और नारुतो वापस अपने कंट्रोल में आ जाता है। और नारुतो को बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि फोर्थ होकागे मिनाटो होते हैं। नारुतो ने देखकर हैरान रह जाता है, फोर्थ होकागे आप यहाँ पर कैसे? और बाहर 8 टेल अपने मुंह से आग बाहर निकालता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई मिसाइल छोड़ रहा है। 9 टेल फॉक्स फोर्थ होकागे को यहाँ पर देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। फोर्थ होकागे, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे पास आ। अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तो मैं यहीं पर ठीक हूँ। क्या कहते हो नारुतो? क्या आपको मेरा नाम कैसे पता है? आसान है नारुतो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जिराया सेंसे से इजाजत लेकर मैंने ही तुम्हारा इनाम रखा था। क्या मैं फोर्थ होकागे का बेटा? हाँ तुमने सही सुना नारुतो, तुम मेरे बेटे हो। नारुतो अपने फादर को पहली बार देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर 9 टेल फॉक्स अपना अलग ही गुस्सा कर रहा होता है। फोर्थ होकागे, मैंने क्या कहा अभी? क्या तुमने सुना नहीं? नारुतो यहाँ पर काफी शोर है ना, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। और उनकी चुटकी मारते ही ये जगह पूरी तरह से बदल जाती है। नारुतो मुझे माफ करना, अगर लोगों को इसके बारे में पता चलता कि तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाती नारुतो, क्योंकि वैसे भी मेरे बहुत ज्यादा दुश्मन है। डैड आपने ऐसा क्यों किया? और ऐसा बोलकर नारुतो फोर्थ होकागे को एक जोरदार घूंसा मार देता है। आपने अपने ही बेटे के अंदर 9 टेल फॉक्स को सील कर दिया। आपको पता है इस 9 टेल फॉक्स की वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ? शुरुआत में सब लोग मुझसे नफरत करते थे, जैसे मैं कोई खतरा हूँ। सब लोग मुझसे डरते थे, मेरा एक दोस्त तक नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें, और मैंने ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। काकाशी सेंसे, जिराया सेंसे और इरुका सेंसे जैसे महान टीचर्स मिले, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। पर अब अकात्सुकी नाम का एक ग्रुप मेरे पीछे पड़ चुका है इस 9 टेल फॉक्स की वजह से। उन्हें मेरे अंदर का ये जानवर चाहिए और मुझे बचाने के लिए कई लोग अपनी जान को खो बैठे हैं। पूरा विलेज तबाह हो चुका है। मुझे माफ करना, मेरे डैड मेरे सामने है और मैं उन पे गुस्सा कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। नारुतो तुम कितने साल के हो अभी? 16 साल का हूँ मैं। ओ तो तुम 16 के हो चुके हो, हाँ? तो ये सफर तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। मुझे माफ करना बेटे, मैंने अपने ही बेटे के साथ इतना कुछ कर दिया। एक पिता का फर्ज मैं अच्छे से नहीं निभा पाया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। नारुतो मैंने तुम्हारे अंदर 9 टेल फॉक्स का आधा हिस्सा ही सील किया था, मुझे भरोसा था कि तुम इसे संभाल सकते हो। बाकी का आधा हिस्सा मैंने अपने अंदर सील किया था। नारुतो तुम्हारे अंदर इस 9 टेल फॉक्स को सील करने की एक वजह भी है। मैंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि इस 9 टेल फॉक्स ने विलेज पर जब हमला किया था 16 साल पहले, तो उस वक्त वो अकेला नहीं था। क्या? हाँ नारुतो, वहाँ पर एक मास्टरमाइंड भी था जो कि 9 टेल को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो विलेज पर हमला करे। वो मास्टरमाइंड आखिर था कौन? मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस तरह के निंजा से फाइट करने के लिए अलग ही लेवल की पावर चाहिए, और मुझे पता है कि वो दोबारा से इस विलेज के ऊपर हमला करेगा। इसलिए मैंने इस विलेज को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर 9 टेल फॉक्स का आधा हिस्सा डाला था। हाँ पर इसका फायदा क्या हुआ? हमारा विलेज फिर भी तबाह हो गया। हाँ मैंने सब कुछ देखा नारुतो, और मुझे जिराया सेंसे के बारे में भी पता है। तो वो पक्का पेन ही होगा जिसने 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल किया था। नहीं नारुतो वो पेन नहीं था, वो अकात्सुकी में से ही एक था और उसने एक मास्क पहना था। क्या एक मास्क? कहीं वो तो नहीं? हाँ उस मास्क वाले के पास सारी जानकारी थी। ऐसा हो सकता है कि वो अभी पेन का इस्तेमाल कर रहा हो। नहीं ऐसा नहीं है, पेन ने बोला था कि बहुत सालों पहले उसका विलेज भी ऐसे ही तबाह हो गया था। तुमने बिल्कुल सही कहा नारुतो, वो मास्क वाला पेन के दर्द को यूज कर रहा है, उसकी नफरत को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। शिट, इसका मतलब है कि कोई पेन से भी ज्यादा ताकतवर है, और ये सब लोग लीफ विलेज के पीछे क्यों पड़े हैं? वो मास्टरमाइंड कौन है? नारुतो कुछ लोगों को शांति रास नहीं आती। पेन ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए कभी उसे माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। फोर्थ होकागे प्लीज मुझे बताइए, मैं आखिर उसे क्या जवाब दूं? नारुतो तुम्हें खुद ही इसका जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे भी इसका जवाब नहीं पता है। आखिर मैं कैसे पता करूंगा? सभी लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन मैं समझदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक 16 साल का बच्चा हूँ, न ही मैं कोई महान निंजा हूँ। अरे नारुतो मुझे पता है तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नारुतो आपको सच में लगता है मैं कर लूंगा? अरे कर लोगे तुम नारुतो, हर एक माता पिता को अपने बच्चे पर पूरा भरोसा होता है। अब मुझे जाना होगा बेटे, तुम भी जाओ और सबकी रक्षा करो। लीफ विलेज का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। और इसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि 8 टेल की फॉर्म में जोर जोर से दहाड़ रहा है किसी डीमन की तरह, और तभी अचानक से नॉर्मल हो जाता है और सेज मोड में चला जाता है। पेन ये देखकर हैरान रह जाता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? या उसने 9 टेल फॉक्स को काबू कर लिया? और इस ब्लैक ऑर्ब वाले जुत्सु की वजह से नागाटो बुरी तरह से थक चुका है और इसलिए छोटा सा प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और नारुतो खुद को पेन के सामने लेकर आता है। तो ये पहले से ही सेज मोड के अंदर है, क्या मुसीबत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्लेनेटरी डिवीजन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बार मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा, ये सेज मोड मेरा आखिरी चांस है, अगर ये गया तो मैं भी जाऊंगा। तभी कात्सुया अंदर से बाहर निकलती है। अरे यार मैं तो मर ही गई थी। कात्सुया यहाँ पर भी क्या हुआ था? मुझे सब कुछ जानना है, हमारा विलेज कहाँ गया और ये सारी तबाही। नारुतो ये सब कुछ तुमने ही किया है, पर चिंता मत करो सभी लोग सुरक्षित है। हाँ शुक्र है सब लोग ठीक है। नारुतो चलो अब इस खेल को खत्म किया जाए, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें दर्द का एहसास हुआ है। इस बार मुझे तेरे से नहीं असली वाले पेन
से बात करनी है, क्योंकि जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था उसका सही जवाब मुझे मिल चुका है। तो असली पेन कहाँ पर है मुझे बताओ। क्या बात है नारुतो, पहले जिराया और अब तुम? आखिर मेरा रहस्य तुम्हें पता चल ही गया। लगता है तुम नहीं बताने वाले। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला नारुतो। इस तरफ हिनाटा बुरी तरह से घायल थी और नारुतो का नाम ले रही होती है। तभी टीम गाय यहाँ पर आ जाती है और टेंटेन बोलती है हमें इसका इलाज करना होगा जल्द से जल्द वरना ये मारी जाएगी। और नेजी बोलता है ठीक है मैं किसी मेडिकल निंजा को देखता हूँ। तभी माइट गाय को बात याद आती है गामा बुंता की। लीफ लिच पर हमला हो चुका है, मैं हिल नहीं सकता, तुरंत जाकर उनकी मदद करो। पर प्रेजेंट में ली बोलता है अरे ये क्या है, लॉर्ड फुकसा को उठ जाइए। इस तरफ पेन सीधा नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नारुतो पेन के हमले को रोक देता है और उसे एक लात मारता है और पेन दूर जाकर गिरता है। नारुतो उसकी रॉड को पकड़ लेता है और नारुतो उस रॉड को अपने कंधे के अंदर घुसा देता है। और नारुतो अभी सेज मोड में होने की वजह से इसके पास अभी नेचर की पावर मौजूद है और उसका यूज करके नारुतो पता लगा लेता है कि असली वाला पेन कहां पर छुपा हुआ है। बिंगो, तो आखिर तुम यहां पर छिपे हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे ढूंढ लिया। तेरी ऐसी की तैसी, ये तूने क्या किया? अब तेरा खेल खत्म, शैडो क्लोन जुत्सु। और सॉरी गाइस, वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर गाइस फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें, तो प्लीज यार माफ कर देना। और वीडियो पर वापस आते हैं। नारुतो बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म, शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स पेन के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर तभी पेन ऑलमाइटी पुश से सभी को दूर फेंक देता है। पर पेन पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए सारे नारुतो एक दूसरे को सहारा देकर दूर गिरने से बच जाते हैं। नामुमकिन, तुम अभी भी खड़े हो? तुम सभी लोग सुनो, उसने वजूत्सु कर लिया, हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड है और अब नारुतो को जो भी करना है इसी 5 सेकंड के अंदर करना होगा। नारुतो जल्दी से रासेंगन तैयार करता है। ये देखकर पेन अपने मन में बोलता है इसका कोई फायदा नहीं, इस चीज को वो मेरे ऊपर नहीं फेंक सकता, मेरे पास अभी भी 3 सेकंड बचे हैं और मैं काफी दूर हूँ उससे। और यहाँ पर नारुतो के दोनों शैडो क्लोन्स असली वाले को खींच कर फेंकते हैं। ये देखकर पेन चौंक जाता है और आखिरी सेकंड में आकर वो रासेंगन पेन के पेट के अंदर जाकर घुस जाता है और नारुतो पेन को मार देता है और पेन की कहानी खत्म। और यहाँ पर नागाटो बोलता है कोनन सब कुछ खत्म हो गया, वो आखिरी पेन भी गया। और पेन को हराने के बाद नारुतो पेन की बॉडी के अंदर लगी सभी के सभी रॉड्स को निकाल देता है, क्योंकि इन्हीं रॉड्स की वजह से ही नागाटो इस पेन को कंट्रोल कर रहा था। मैंने सारे निकाल दिए, अब ये दोबारा कभी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो पेन, तुम्हारे उस सवाल का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कात्सुया, अब मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, अब आप जा सकती हैं। ठीक है, मैं विलेज के लोगों को तुम्हारी जीत के बारे में बताऊंगी नारुतो। इस तरफ हम देखते हैं कि साकुरा हिनाटा को हील कर रही होती है। तभी नेजी बोलता है ये बेवकूफ लड़की ऐसा क्यों कर रही थी। और कात्सुया यहाँ पर आ जाती है और साकुरा को बताती है कि नारुतो ने पेन को हरा दिया है और वो असली वाले पेन को ढूंढने के लिए चला गया है। ग्रैंड मा फुकासाकु को लेकर बैठी होती है पर फुकासाकु मर चुके हैं। और माइट गाय बोलते हैं ली मेरे बेटे लगता है हमें नारुतो को बैकअप देना होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। और कात्सुया बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये जाएंगे तो ये नारुतो और पेन के बीच में आएंगे। ली बोलता है पर नारुतो ये अकेले नहीं कर पाएगा। कात्सुया बताती है कि नारुतो के पास एक प्लान है और इन्हें नारुतो के ऊपर भरोसा करना होगा। और इस तरफ नारुतो जाने से पहले उस रॉड को अपने हाथों में घुसा लेता है और ऐसा करते ही नारुतो को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जिराया सेंसे की मौत, हिनाटा की मौत, जितने भी लोगों को आज तक पेन ने मारा है और उसे पेन की वो बात याद आती है कि इस दुनिया में सिर्फ नफरत चलती है। और इस तरफ हिनाटा को होश आ जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम सब यहाँ पर आ गए, हिनाटा तुम ठीक हो? सभी लोग हिनाटा को उठाते हैं। हिनाटा साकुरा का शुक्रिया अदा करती है। हिनाटा को पता चलता है कि नारुतो ने पेन को हरा दिया है और ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर माइट गाय को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है नारुतो की, क्योंकि वो अकेले ही जा रहा है पेन से फाइट करने। और नेजी बोलता है ये नारुतो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है, गाय सेंसे हमें उसके पीछे जाना होगा। पर कात्सुया बताती है कि नारुतो ने बोला है कि वो सिर्फ अकेला जाना चाहता है। और नेजी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने बहुत कर लिया और साथ में वो घायल भी है। कात्सुया हमें नारुतो के पास लेकर चलो। और इस तरफ एक ह्यूगा को कुछ दिखाई देता है और शिकागो पूछता है कि तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या। और नारुतो ठीक इनके आगे जा रहा होता है। ये लोग पीछे से नारुतो को आवाज लगाते हैं, इनोइची नारुतो को आवाज लगाते हैं नारुतो रुक जाओ। नारुतो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। मास्टर इनोइची क्या हुआ? नारुतो तुम यहाँ पर हो तो मतलब तुमने उस 6th पेन को हरा दिया। और नारुतो सोचकर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीता कौन हारा। नारुतो तुम्हें हुआ क्या है? और नारुतो बोलता है ये जरूरी नहीं है, मैं असली पेन के पास जा रहा हूँ और प्लीज मेरा पीछा मत करना, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। इनोइची पूछता है कि कैसे पता चल चुका है कि असली वाला पेन कहाँ पर है। और नारुतो बताता है कि हाँ इसे पता चल चुका है। ये सब ठीक है नारुतो, लेकिन तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो, आखिर चल क्या रहा है, तुम उससे बात करना चाहते हो? और नारुतो बोलता है हाँ मुझे उससे बात करनी है, प्लीज आप यहाँ से वापस लौट जाइए, मुझे कुछ पता करना है। इनोइची बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है नारुतो, तुमने पेन को हराया, इसके लिए विलेज तुम्हारा आभारी है, पर अब तुम उससे बात करना चाहते हो? नारुतो बोलता है तो बताइए अगर हम उसे मार भी देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा विलेज वापस आ जाएगा क्या? उस पेन ने हमारे विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, हम उसे माफ नहीं कर सकते नारुतो, पीछे हट जाओ। तो क्या मैंने उसे माफ कर दिया है? ऐसे इंसान को माफ करना नामुमकिन है। तो फिर? और तभी शिकामारु के फादर बोलते हैं इनोइची बस करो, नारुतो को करने दो जो ये करना चाहता है, इसे अकेले जाने दो। क्या आपको क्या हो गया है? हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, अब जाने भी दो इसे इनोइची, चुप करो। शिकाको मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद नारुतो आगे बढ़ जाता है और थोड़ा और आगे आने के बाद नारुतो सेज मोड के अंदर चला जाता है और
फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नागाटो छुपा हुआ है। ये पूरी जगह कागज से बनी होती है। नारुतो अंदर आता है और नागाटो को देखता है। तो वो तुम हो असली पेन? हाँ, तुम्हारा स्वागत है नारुतो, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसी ने ही जिराया सेंसे को मारा, काकाशी सेंसे को मारा और इसी ने ही सभी विलेज के लोगों को मारा। और नारुतो का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जरा देखो तो कोनन, इस बच्चे को कितना गुस्सा आता है। तो क्या अब तुम मुझे मार दोगे, मुझसे बदला लोगे? चलो ठीक है, मार दो मुझे। अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो दोबारा तुम्हारे विलेज को तबाह कर दूंगा, इसलिए मुझे अभी मार दो। तुम्हारे पास अभी तीन रास्ते हैं नारुतो, या तो मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं दोबारा फिर से हमला करूंगा, या तो मुझे मार दो, मेरे जैसे और बहुत से आ जाएंगे जो कि इस दुनिया में शांति लेकर आना चाहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन, खुद को मुझे सौंप दो और यकीन मानो सारी मुश्किलें ठीक हो जाएंगी। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो के ऊपर नाइन टेल फॉक्स हावी हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से। पर नारुतो खुद को संभाल लेता है। मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ, पर तुम्हें देखकर मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त इस रॉड से मार दूं, क्योंकि जो तुमने किया है वो माफी के काबिल नहीं है। पर मुझे मेरे मास्टर की याद आई। जिराया सेंसेई को पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग एक दूसरे को समझेंगे, पर अब उनका ये सपना मेरा मकसद बन चुका है। हाँ, जिराया सेंसेई की वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर सच्चाई से काफी दूर है। जिराया सेंसेई के स्टूडेंट हो तुम, इस तरह से नहीं बदल सकते। मैं जानता हूँ कि तुम बाकी अकात्सुकी जैसे नहीं हो जिन्होंने बिना वजह लोगों को मारा है। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ, इसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताता हूँ। नागाटो, ये सब क्या कर रहे हो? ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। नहीं कोनन, मुझे इसका जवाब सुनना है। वैसे भी इसने मेरे छह पेंस को हरा दिया है, मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा। हाँ तो नारुतो उज़ुमाकी, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब इसके बाद नागाटो अपनी कहानी सुनाता है। जब पूरी दुनिया के अंदर निंजा वॉर 3 चल रही थी तो गांव के सभी लोग डर के माहौल में जी रहे थे। नागाटो और उसके माता पिता एक कोने में छुपे होते हैं डरकर, और तभी ये दो लोगों की आवाज सुनते हैं। चलो शुक्र है इस घर में कोई नहीं। कुछ खाने के लिए मिला तुम्हें? वो देखो फ्रिज है वहाँ पर, शायद इसमें कुछ मिल जाए। हाँ ये देखो खाना पड़ा है, इससे तो 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। वहाँ के कौन हो सकते हैं डियर? कोई भी हो, पर वो हमारा खाना है। हम तीनों भूखे मारे जाएंगे यहाँ पर, मुझे वहाँ पर जाकर उन्हें रोकना होगा। पापा प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, वो आपको मार डालेंगे। अरे अरे बेटा तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बस तुम दोनों यहीं पर रहो। और तभी अचानक से नागाटो का हाथ एक कलश के ऊपर लग जाता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है। ये आवाज सुनकर वो दोनों निंजास अंदर आते हैं और नागाटो के फादर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें दुश्मन समझकर ये दोनों निंजास उसके माता पिता को मार देते हैं नागाटो की आंखों के सामने ही। और ये दोनों निंजास हिडन लीफ विलेज के होते हैं। अरे ये तो एक बच्चा है। शिट, ये हमने क्या कर दिया? ये सिविलियंस थे, दुश्मन नहीं, हमने ये गलती कैसे कर दी? उसके बाद नागाटो पलक झपकते ही अपने रेनिगन आंखों का यूज करता है और अपने रेनिगन की ताकत से उन दोनों को खत्म कर देता है। हम ना ही निंजास थे और ना ही वो युद्ध हमारा था, हम लोग सिर्फ सिविलियंस थे, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता को मार दिया गया। तुम्हारे विलेज के निंजास ने ये हाल किया उनका, मैंने उस दर्द को बहुत देर तक सहा। और इसके बाद नागाटो अपने माता पिता को दफना देता है और अपना घर छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। इधर उधर भटकता है भूख से, कई दिन बीत जाते हैं, नागाटो के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। और ऐसे ही रास्ते पर चलते चलते नागाटो को एक प्यारा सा डॉगी मिलता है। नागाटो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने अकेलेपन को दूर करता है। पर नागाटो के पास खाना नहीं होता और लोग उसे खाने की भीख मांगता है। माफ कीजिए, दरअसल मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्या आपके पास थोड़ा सा खाना होगा? हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत भूखे भी हैं, थोड़ा सा खाना दे दीजिए प्लीज। माफ करना बेटे, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये समय बहुत खराब चल रहा है, हम बहुत मुश्किल से अपना पेट भरते हैं, कहीं और जाकर कोशिश करो बच्चे। और वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। पर नागाटो खिड़की के अंदर से देखता है कि उस आदमी के पास बहुत सारा खाना पड़ा था, वो चाहता तो दे सकता था पर उसने नहीं दिया। ये देख कर नागाटो को बहुत ज्यादा दुख होता है। भाई साहब कैसे कैसे लोग हैं यार, नागाटो बहुत ज्यादा भूखा होता है इसलिए एक जगह पर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है जो कि कोनन होती है और उसे खाना देती है खाने को। नागाटो और उसका डॉगी उस खाने को खाते हैं और ये लड़की इसे अपने साथ याहिको के पास लेकर चली जाती है। याहिको बोलता है, अरे ये कौन है भाई और इस जोकर को यहाँ पर क्यों लेकर आई है? याहिको ये मरने वाला था और तो इस डॉगी को भी अपने साथ लेकर आ गई। शाबाश। हाँ भाई, नाम क्या तेरा? इसका नाम मैंने चीबी रखा है। अबे ओ ढक्कन, तेरा नाम पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नागाटो है। नागाटो? हाँ मेरा नाम याहिको है, मिलकर अच्छा लगा। वो वक्त था जब मैं कोनन और याहिको से मिला था पहली बार। वो दोनों भी मेरी तरह अनाथ थे लेकिन मुझसे अलग थे, और मैं भी उनके साथ जुड़ गया। और ये तीनों खुद को जिंदा रखने के लिए बाजार से चोरी वगैरह किया करते थे, पर एक दिन ये तीनों पकड़े जाते हैं, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं। अरे दिल छोटा मत कर, ऐसी चीजें होती रहती हैं। वैसे नागाटो तेरे को ड्रीम्स या कुछ होप्स वगैरह है क्या, या तू भी मेरी तरह नल्ला ही है? क्या सपना? हाँ कोई सपना, कहीं जाना चाहता हो, सिंगापुर घूमना चाहता हो? मेरा सपना है मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ, अगर मैं ताकतवर होऊंगा तो मेरी कभी ऐसी हालत होगी ही नहीं। हाँ तुमने सही कहा। ये तीनों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एक पेपर बम लगी हुई कुनहाई इनके सामने आकर गिर जाती है और यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है, पर तीनों उस धमाके से बच जाते हैं। तभी याहिको देखता है कि उनके विलेज के लीडर हांजो के सामने तीन लेजेंडरी सानिन्स खड़े हुए हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जिराया सेंसे, ओरोचिमारु और लेडी सुनाडे है। पर इस धमाके से नागाटो का डॉग चीबी मारा जाता है। ये तीनों खुद को एक सुरक्षित जगह पर लेकर आ जाते हैं। ये जंग खत्म क्यों नहीं होती? और नागाटो रोना बंद कर तू, अगर ऐसे ही चलता रहा ना सब मर जाएंगे, और वो भी इस कुत्ते की तरह। लगता है मुझे ही भगवान बनना पड़ेगा इस जंग को रोकने के लिए, तभी जाके सब ठीक होगा। पर फिर याद आता है कि मेरे पास तो ताकत है ही नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है याहिको? यार
पर देखो, मुझे लगता है हम तीनों को ना निंजुत्सु सीखना पड़ेगा किसी भी तरह से। पर हमें सिखाएगा कौन यार? अरे वही तीन निंजास यार जो अभी हमने देखे थे, वही हमें निंजुत्सु सिखा सकते हैं। पर वो तो हिडनली विलेज के निंजास हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा था। नागाटो मत सोच यार, मुझे उस हांजो से नफरत है, हमें उसे टपकाना होगा, हमें उसी की तरह ताकतवर बनना होगा। अब तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। और इसी के साथ ही तीनों उनकी खोज में निकल जाते हैं। और कुछ दिनों बाद ये तीनों इन तीनों लेजेंडरी सानिन्स के पास जाकर मिलते हैं, जैसा कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। यही को इनके पास जाता है। अरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें थोड़ा सा खाना चाहिए था, हम बहुत भूखे हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया था तुम्हारे जिराया सेंसेई, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं लीफ निंजास को अपनाना नहीं चाहता था। और इसके बाद इन तीनों को खाना देने के बाद ये तीनों लेजेंडरी सानिन्स यहाँ से चले जाते हैं। पर तभी सुनाडे बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? अब हमारे पास जितना खाना था हमने तुम्हें दे दिया, अब कुछ नहीं है हमारे पास। दरअसल क्या आप हमें निंजुत्सु सिखा सकते हैं प्लीज? जिराया, क्या मैं इन सभी बच्चों को खा जाऊं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे और ओचिमारो, बस करो यार, तुम और सुनाडे आगे जाओ। ऐसा लगता है इन बच्चों ने बहुत कुछ देखा और सहा है। इनके लिए यहाँ पर कुछ समय रहकर मैं इनकी रक्षा करूंगा। वो वक्त बहुत ज्यादा अजीब था, एक लीफ विलेज के निंजा नहीं मेरे पेरेंट्स को मारा था, और अब उसी विलेज का निंजा हमारी देखभाल भी कर रहा था। कोनन और यही को जिराया सेंसेई से बहुत ज्यादा खुश थे, पर नागाटो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद वो समय आता है जब नागाटो का रेनेगन देखते हैं जिराया सेंसेई, और इस किस्से के बाद फाइनली जिराया सेंसेई इन्हें निंजुत्सु सिखाने के लिए मान जाते हैं। 3 साल बाद ये तीनों काबिल बन जाते हैं, और इनसे विदा लेकर मास्टर जिराया यहाँ से चले जाते हैं। उनकी वजह से ही हम ताकतवर बने थे। जिराया सेंसेई को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था, वो ऐसा सोचते थे कि मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। उन्हें हम सभी पर भरोसा था, और इसी भरोसे पर वो हम तीनों को छोड़कर चले गए। और कुछ सालों बाद जब ये सभी के सभी बड़े हो जाते हैं, तो ये अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं, जिसमें याहिको सबसे आगे रहता है और इस टीम का लीडर बनता है। और बहुत कम समय के अंदर ही इनकी टीम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और सभी लोग इन पर भरोसा करके इनसे जुड़ने लगते हैं। पर अभी भी 3रा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था। 3 महान देशों का युद्ध लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ विंड और सैंड के बीच में था। हेंजो हिडन रेन विलेज का लीडर था, और इसने इनकी टीम के बारे में सुना और इनसे मिलने के लिए आ गया। याहिको और इसकी टीम जानती थी कि हांजो बस उनका यूज कर रहा है, पर इनका मकसद सिर्फ एक ही था, इस दुनिया में शांति लेकर आना और इस जंग को खत्म करना। और याहिको ने हांजो के साथ हाथ मिला लिया। हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमने उसके साथ हाथ मिला लिया। ये हमारी शुरुआत थी बर्बादी की, लेकिन हम भी क्या करते, हम बच्चे थे और बेवकूफ भी। हमारी इसी गलती की वजह से याहिको मारा गया। क्या मारा गया? पर कैसे? हमें बर्बाद करने के लिए हांजो ने जाल बिछा रखा था। उसे डर था कि हम आगे चलकर हिडन लीफ विलेज पर कब्जा कर लेंगे। एक दिन इन सभी को एक खास जगह बुलाया जाता है, और यहाँ पर हांजो के साथ अंबु ब्लैक ऑप्स के सभी लोग भी होते हैं। हांजो ने डांजो के साथ प्लान बनाया था याहिको और उसकी टीम को खत्म करने के लिए। डांजो होकागे बनना चाहता था, इसलिए वो हांजो का साथ दे रहा था। और हांजो कोनन को अपने कब्जे में ले लेता है और उन दोनों को बोलता है, तुम्हारी ये टीम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। याहिको तुम लीडर हो ना, तुम्हें मरना होगा, अगर तुमने मना किया तो ये लड़की मारी जाएगी। तुम लाल बालों वाले लड़के, ये कुनहाई लो और अपने दोस्त को मार डालो, इस याहिको को खत्म करो। ये काम तुम्हें ही करना होगा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। कोनन चिल्लाकर बोलती है, नहीं तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, ऐसा मत करना। याहिको बोलता है नागाटो से, नागाटो यार खत्म कर दे मुझे। क्या पर मैं कैसे कर सकता हूँ? नागाटो तुझे सुनाई नहीं देता, मुझे मार डाल। पर याहिको मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैंने कहा ना मुझे मार डाल। जल्दी कर लड़के, नहीं तो इस लड़की को मैं मार डालूंगा। जल्दी उस कुनहाई को उठा और याहिको को मार डाल। नागाटो इस कुनहाई को उठाता है, तो पलक झपकते ही याहिको नागाटो के पास आकर उस कुनहाई को अपने आप ही अपने पेट के अंदर घुसा लेता है। नागाटो तुझे और कोनन को जिंदा रहना होगा किसी भी हालत में, समझा? तुम दोनों इस दुनिया के रक्षक हो। और इसी के साथ याहिको मारा जाता है, और उसे मरा हुआ देखकर कोनन पूरी तरह से टूट जाती है। याहिको की वो सारी बातें नागाटो के दिमाग में गूंजने लगती हैं, और हांजो आदेश देता है अपने अंबु ब्लैक ऑप्स के लोगों को कि नागाटो को भी मार डाले। सभी लोग उस पर कुनहाइस छोड़ देते हैं, पर तभी नागाटो की रेनेगन पावर जाग जाती है और सभी कुनहाइस को एक ही अटैक में रोक देता है और कोनन को छुड़ा देता है। नागाटो कोनन तुम याहिको के पास रहो। सभी अंबु ब्लैक ऑप्स नागाटो पर हमला कर देते हैं, पर नागाटो समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और विशाल का गैडोस स्टैचू समन हो जाता है। ये देखकर हांजो चौंक जाता है और गैडोस स्टैचू उन सभी अंबु ब्लैक ऑप्स को कुचल देता है, पर हांजो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और याहिको के मरने के बाद नागाटो अपने हेडबैंड के ऊपर एक लकीर खींच देता है और कसम खाता है कि वो याहिको के सपने को किसी भी कीमत पर पूरा कर रहेगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और नागाटो बोलता है, तो यही थी मेरी कहानी। याहिको के बाद मैं टीम का लीडर बना और उस हांजो को खत्म कर दिया, उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। पर इस बदले के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। मुझे शांति तब मिलेगी जब मैं याहिको के सपने को पूरा करूंगा। तो यही थी मेरी कहानी। अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो जिराया सेंसेई की लिखी हुई पहली किताब निकालता है। शायद तुम सही हो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिराया सेंसेई ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं भी उन पर पूरा भरोसा करूंगा। यही है मेरा असली जवाब और मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। अच्छा तो तुम्हें जिराया सेंसेई पर भरोसा है? हाँ, ये है तुम्हारा जवाब। तो तुम चाहते हो कि हम लोग इंतजार करें? मजाक मत करो, जिराया सेंसेई के शब्दों पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन है। असली शांति ऐसे नहीं मिल सकती। जब तक हम इस शरापित दुनिया में जी रहे हैं तब तक शांति नहीं मिल सकती, ये नामुमकिन है। ये तुम्हारी सोच है और मैं कभी हार नहीं मानता। अगर कहीं पर भी ऐसी शांति है तो मैं उसे हासिल कर लूंगा। मैं हार नहीं मानता, ये तो तुम समझ चुके होगे। क्या
क्या कहा तुमने? यकीन नहीं हो रहा। नगाटो क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा ये शब्द। हाँ तुमने सही सोचा, ये जिराया सेंसे के शब्द है। उनकी ये पहली नॉवल सबसे पसंदीदा थी। वो पूरी दुनिया को इस किताब के सहारे बदलना चाहते थे और इस किताब के अंत में उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है और वो तुम हो नगाटो। नहीं आखिर कैसे? और तभी नगाटो एक फ्लैशबैक को देखता है जब जिराया सेंसे उसके साथ थे। सेंसे क्या आपसे मैं बात कर सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्यों नहीं? हाँ नगाटो क्यों नहीं, मैं बस अपनी किताब अभी शुरू करने ही जा रहा था। बताओ क्या हुआ? जिराया सेंसे आपको याद है आपने एक दिन मुझे कहा था कि इस दुनिया में काफी नफरत है। मैं उसी के बारे में सोच रहा था सेंसे। मुझे नहीं पता कि शांति कैसे मिलती है और अगर कहीं पर भी शांति है मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। बहुत अच्छे नगाटो, बहुत बढ़िया, तुम एक दिन बहुत ज्यादा कामयाब बनोगे। अरे हाँ ये हुई ना बात। क्या हुआ सेंसे? तुम्हारा शुक्रिया, नॉवल के लिए मुझे आइडिया मिल चुका है नगाटो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब सबसे पहले मुझे इसके हीरो का नाम सोचना होगा। अरे हाँ सोच लिया, इस कहानी का नाम होगा बहादुर निंजा नारुतो की कहानी। पर ये कहानी तुमसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है नगाटो, लेकिन ये नाम एक अनमोल तोहफा है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनके इस सपने को पूरा करूं पर सही रास्ते पर चल के, समझे तुम? और नगाटो अब जाकर समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो अब जाकर समझा है कि उसने क्या खोया है। मुझ पर भरोसा रखना, मैं बहुत जल्द होकागे बनूंगा और तुम्हारे विलेज के अंदर भी शांति लेकर आऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। पर कैसे नारुतो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं बदलोगे? चाहे कितना भी दर्द आए, चाहे खुद से हार जाओ, क्या तुम इसके बावजूद भी खुद पर यकीन करोगे? इसकी क्या गारंटी है? तुम्हें अपने आप के ऊपर इतना भरोसा है क्या? नगाटो तुम अकेले नहीं हो, दर्द का सामना मैंने भी किया है अपनी जिंदगी में। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने एक दोस्त को खोया है, तुम्हारी तरह मैंने भी बार बार हार का सामना किया है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपने आप पर भरोसा करना बंद नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा। अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ नारुतो शायद तुम सही कह रहे हो, हम एक ही मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। तुम तो काफी समझदार निकले नारुतो, मैं पहले कैसा था तुमने मुझे याद दिला दिया। मैंने जिराया सेंसे पर यकीन नहीं किया और उन्हें ही धोखा दे दिया। अब मेरा कोई भविष्य नहीं, पर तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है नारुतो उज़ुमाकी, मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है। गेट आउट रेने रीबर्थ। ये क्या है? नगाटो ऐसा मत करो। कोनन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। ये फैसला मैंने अपनी खुशी से लिया है, शायद ऐसा करने से मेरे थोड़े से पाप धुल जाए। नगाटो ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर जुत्सु है क्या? नगाटो के पास रेनेगन की ताकत है और उसका ये जुत्सु जिंदगी और मौत को भी काबू कर सकता है। रीबर्थ। नगाटो ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जिंदा नहीं बचोगे। सच में इस बच्चे में कुछ तो खासियत है, ये लोगों को बदल सकता है। और नगाटो जैसे ही ये जुत्सु परफॉर्म करता है यहाँ पर एक रोशनी चमकती है और इसी के साथ आज जितने भी लोग पेन के द्वारा मारे गए थे वो सभी लोग एक एक करके जिंदा हो जाते हैं और उन्हें जिंदा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और हम इस दूसरी दुनिया के अंदर देखते हैं जहाँ पर काकाशी सेंसे अपने फादर को पूरी कहानी सुना रहे होते हैं अपनी। कमाल की कहानी है काकाशी, काफी छोटी सी उम्र में तुमने बहुत कुछ देख लिया। पिताजी एक और बात है जो मुझे आपसे कहनी थी, आपके जैसा एक महान निंजा, मुझे आप पर गर्व है, आपने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद की जान ले ली, आप एक महान निंजा है। और तभी अचानक से काकाशी सेंसे चमकने लगते हैं। आखिर ये क्या है? काकाशी मुझे लगता है तुम यहाँ पर समय से पहले आ गए थे, शायद अभी तुम्हें थोड़ा और जीना होगा। चलो ठीक ही है, तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई काकाशी, और मुझे माफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं तुम्हारी मॉम से मिल पाऊंगा। और बाकी सब की तरह काकाशी सेंसे भी जिंदा हो जाते हैं। ये क्या हुआ? चोजी यहाँ पर क्या हुआ था, बताना शुरू करो क्या हुआ था। काकाशी सेंसे शुक्र है आप जिंदा हो। और यहाँ पर उस जुत्सु को परफॉर्म करने की वजह से नगाटो के बाल सफेद हो जाते हैं और नगाटो कमजोर पड़ने लग जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कात्सुया नारुतो को बताती है कि विलेज के लोग जिंदा हो रहे हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा जिंदा हो रहे हैं? चिंता मत करो नारुतो, मैं उन सभी को जिंदा कर रहा हूँ जिन्हें आज मैंने लीफ विलेज के अंदर मार दिया था। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, चलो मेरा काम पूरा हो गया। नगाटो तुम सच में बहुत अच्छे हो। नारुतो मेरी एक बात सुनो, युद्ध में मौत और दर्द दोनों तरफ को मिलता है पर किसी अपने की मौत बहुत ज्यादा पेन देती है, हम इसे समझ नहीं पाए और सब लोग धीरे धीरे मारे गए। तुम्हारी ये पीढ़ी युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानती, एक बात अच्छे से समझ लो नारुतो, जितनी नफरत करोगे उतनी मौत तुम्हें मिलती जाएगी। नारुतो आगे चलकर तुम्हें ऐसे ऐसे समय का सामना करना है जो कि बहुत ज्यादा पेन भरा होगा, पर मुझे तुम पर भरोसा है, फिलहाल मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, इस नफरत से भरी दुनिया में शांति लेकर आना नारुतो अब तुम्हारा काम है। अलविदा नारुतो उज़ुमाकी। और नगाटो की मौत हो जाती है और कोनन याहिको और उसकी लाश को पेपर से पूरी तरह से ढक देती है और नारुतो बोलता है इस पेन को भी अपने साथ लेकर चली जाओगी? हाँ क्योंकि यही याहिको है। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है, ये बंदा याहिको था, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि तुम वापस से अकात्सुकी के अंदर जाओ। नारुतो तुम फिक्र मत करो, मैंने अकात्सुकी छोड़ दी है हमेशा के लिए, बस तुम एक बात याद रखना, याहिको और नगाटो इन दोनों का सपना अब तुम्हें पूरा करना है। नगाटो ने तुम पर भरोसा किया है, उसका भरोसा कभी मत तोड़ना और मैं भी तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, हमें निराश मत करना। कोनन तुम चिंता मत करो, मैं कभी हार नहीं मानता। मैं तुम्हारे पूर्वजों से प्रार्थना करूंगी और एक कागज के फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है, इसे एक्सेप्ट करो। और इसके बाद कोनन यहाँ से चली जाती है। नारुतो अपने मास्टर की आखिरी निशानी उस किताब को एक समाधि के रूप में नारुतो जिराया सेंसे को आखिरी बार श्रद्धांजलि देता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद नारुतो अपने विलेज की तरफ वापस चला जाता है, पर नारुतो बहुत ज्यादा थका होता है और तभी काकाशी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ जल्दी से पहुंचकर उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। नारुतो बहुत खूब, मुझे तुम पर गर्व है। काकाशी सेंसे आप यहाँ पर? हाँ नारुतो अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
काशी सेंसे नारुतो को विलेज के अंदर लेकर चले जाते हैं और हिडन लीफ विलेज के सभी लोग नारुतो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग नारुतो के आने का इंतजार ही कर रहे होते हैं। और नारुतो ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ कात्सुया ने इन सभी विलेजर्स को बता दिया है और इन सभी को इस तरह से देखकर नारुतो हैरान रह जाता है। काकाशी सेंसे ये सब क्या है? नारुतो ये सब तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे, चलो इस पल को अच्छे से जियो। विलेज के सभी लोग नारुतो को हवा में उछालने लगते हैं। सभी के चेहरों पर एक मुस्कान होती है और आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। कुछ भी कहो गाई सेंसे, नारुतो ने कमाल कर दिया। हाँ ली बिल्कुल सही कहा तुमने, यही तो है नारुतो का कमाल। और शिकामारू भी बोलता है, चोजी यार मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, इस गधे ने सब कुछ अकेले ही संभाल लिया, काफी ताकतवर हो चुका है ये। कोना हमारू भी यहाँ पर होता है। इरुका सेंसे चलो नारुतो भैया के पास हम भी चलते हैं। नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। जो लोग कभी नारुतो से परेशान हुआ करते थे आज सभी लोग नारुतो से इतने ज्यादा खुश हैं। मुझे तुम पर गर्व है नारुतो, आज हमारे विलेज को उसका हीरो मिल चुका है। हम सभी को तुम पर नाज है नारुतो। लॉर्ड थर्ड होक आगे, काश आप आज जिंदा होते, हमें हमारा रक्षक मिल चुका है नारुतो उजुमाकी। और इस सीरीज का 22वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। सॉरी गाइज पर 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो गाइज होपफुली मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।